कोरोना की विनाश लीला पर कब ब्रेक लगेगा ये कोई नहीं जानता। इस वायरस के प्रकोप से कब तक दुनिया मुक्त होगी ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए आज की तारीख में दुनिया के लिए ये समझना जरूरी है कि चीन की कोरोना साजिश के पीछे असल खेल क्या है। दरअसल चीन को सुपर पावर अमेरिका से भी ताकतवर महाशक्ति बनना है, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक चीन के पास अकूत दौलत और बेहिसाब फौजी ताकत ना हो। चीन को अच्छी तरह पता है कि सुपर पावर का रुतबा हासिल करने में चीन को बरसों लगेंगे, लिहाजा चीन ने साजिश रची जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया उठा रही है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कमांडर एविल आईज ऑफ शी। 24 अक्टूबर 2017 बीजिंग चीन। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में 7 दिन के सबसे बड़े पॉलिटिकल जमावड़े का आखिरी दिन था। शी जिनपिंग अगले 5 साल के लिए चीन की सरकार का एजेंडा बताने वाले थे। शी जिनपिंग ने रिकॉर्ड 3.5 घंटे का भाषण दिया। ये भाषण इतना लंबा था कि यहाँ मौजूद लोगों में से कोई जमहाई ले रहा था, कोई सो रहा था, तो कोई बार बार घड़ी देखे जा रहा था। लेकिन इतने उबाऊ भाषण के बीच जिनपिंग ने कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो ड्रैगन के बड़े मिलिट्री मिशन की ओर इशारा था। इस भाषण को 3.5 साल हो चुके हैं और 3.5 साल बाद चीन ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है। जिनपिंग की जंगी सनक में चीन पहले से मजबूत हुआ है। दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने 21 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि चीन सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत का नंबर था। चीन का रक्षा बजट अमेरिका से 3 गुना कम होने के बावजूद इस लिस्ट में टॉप करना किसी को भी चौंका सकता है। लेकिन ये सच है, चीन ने अपनी सेना को खूंखार बनाने में पूरी ताकत और कुबेर की दौलत झोंक दी है। इसी साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में चीन की बढ़ती ताकत पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बन गया। साल 2015 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी के पास समुद्री बेड़े में 255 युद्धपोत थे, जो 2020 के अंत में 360 हो गए, अमेरिका से 62 युद्धपोत ज्यादा। मौजूदा वक्त में चीनी नौसेना के पास जितने युद्धपोत और सबमरीन हैं, उतनी अमेरिका के पास भी नहीं। अट्ठाईस अप्रैल 2020 को चीन की नेवी ने टाइप 094 स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर सबमरीन से JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 6 नवंबर 2020 को दुनिया की पहली 6G सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया। दिसंबर 2020 में चीन ने 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में HQ-17 सरफेस टू एयर मिसाइल से वॉर रिहर्सल की। मतलब कोरोना काल में जब पूरी दुनिया का फोकस वायरस और वैक्सीन पर था, तो बाकी देशों की मदद करने की बजाय चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा था। वायरस षड्यंत्र के सफल होने से चीन अपने मिशन सुपर पावर के और करीब पहुंच गया। बीजिंग के वॉर रूम में हर रोज चीन की सेना की तैयारी की रिपोर्ट ली जाती है। शी जिनपिंग विश्व विजेता बनने की धुन में इंसानियत को भूल जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान अपने रिएक्शन से जिनपिंग को जमीन पर उतार रहा है।
गलवान में दो दो बार चीन को पटक कर भारत ने सबसे बड़ी सेना के कमांडर को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। लाल सुल्तान के गुरूर को रौंद दिया और अगर चीन नहीं सुधरा तो उसकी सबसे ताकतवर माने जाने वाली सेना को भी हिंद के परमवीर ही अंतिम सबक सिखाएंगे। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।